हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैक फ्रूट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अभी तक आपने मैग्नेटिज्म के बारे में जाना, आपने मैग्नेट्स के बारे में जाना, और आपने ये जाना कि मैग्नेट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया होगा कि मैग्नेट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करते हैं? तो दोस्तों, उसका आंसर है मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसको मैं बड़ी ही एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपने अपने घर के अंदर स्पाइडर देखी होगी, मकड़ी, काफी लोग उससे डरते भी होंगे। वो मकड़ी क्या करती है, वो जाल बुन करके रखती है। जनरली घरों के कॉर्नर्स के अंदर आप देखना ध्यान से, वहां पे मकड़ी ने अपना जाला बुन रखा होगा। अब मकड़ी को जाला बुनने की क्या जरूरत है? जनरली जो मकड़ी है वो इंसेक्ट्स को खाती है, इंसेक्ट्स को खाती है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, पार्ट ऑफ फूड चेन। अब क्या होता है कि एक इंसेक्ट गुनगुनाता हुआ चल रहा होता है, बड़ा खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है, और सडनली आकर के वो जाल के अंदर फंस जाता है। जैसे ही वो जाल के अंदर फंस जाता है, ये स्पाइडर क्या करता है, ये स्पाइडर जाकर के उसको खा लेता है। अब अगर मैं वेब की, स्पाइडर वेब की बात करता हूं, उसकी मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, तो स्पाइडर वेब क्या है? स्पाइडर वेब एक ऐसी स्पेस है, एक ऐसी स्पेस है जो किसने जनरेट की है, जो स्पाइडर ने, मकड़ी ने जनरेट की है। किसके लिए? ताकि वो इस इंसेक्ट को क्या कर सके, खा सके, इस इंसेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सके और फाइनली इसको खा सके। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यू टू द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस है किसके इर्द गिर्द या फिर किसके अराउंड, मैग्नेट के अराउंड, जिसके अंदर जैसे ही आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लेकर के आओगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। और अगर आप लाइक पोल लेकर के आओगे उस मैग्नेट के पास तो वो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो उसी स्पेस को क्या बोला जाता है, उसी स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। और जनरली इसको बी सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहां तक होती है? आपने घर के अंदर देखा होगा कि स्पाइडर का जाला एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर फैला होता है, ज्यादा ज्यादा फैल जाएगा तो मम्मी झाड़ू लेकर के उतार देगी, ठीक, ताकि रिश्तेदारों को बुरा ना लगे। अब सिमिलरली ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसका भी दायरा होता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि एक मैग्नेट है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे शुरू होती है, उससे स्टार्ट होती है और बहुत दूर तक फैल जाती है।
कितनी दूर तक? कोई सीमा नहीं है, दूर दूर तक, चांद सितारों तक, जिसको मैं कह रहा हूं इन्फिनिटी तक फैल जाती है। अब इन्फिनिटी क्या है? जहां तक आपकी सोच जाती है उससे भी आगे जो है वो इन्फिनिटी है, चांद सितारों तक। तो फिर इसका मतलब तो एक मैग्नेट की अगर मैग्नेटिक फील्ड चांद सितारों तक जाती है तो उस वो तो दुनिया के सभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, कोई डिनाई नहीं है। पर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। यानी कि अगर समझा जाए तो ऐसे समझा जाए, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेट के पास स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते रहते हो वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। समझने को आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आप स्कूल के अंदर होते हो, तो स्कूल के अंदर आप फिजिकली टीचर और प्रिंसिपल के कांटेक्ट के अंदर रहते हो, उनके सामने रहते हो, तो उनका इन्फ्लुएंस आप पे ज्यादा होता है, तो आप थोड़ा बहुत उनसे डरते हो। पर जैसे ही आप घर आ जाते हो आपका फिजिकल डिस्टेंस आपके टीचर से और प्रिंसिपल से बढ़ जाता है, तो जिसके कारण आपका जो डर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सिमिलरली इज द केस विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के पास सबसे ज्यादा होगी, स्ट्रांग होगी, और उससे जैसे आप दूर जाओगे वो वीक हो जाएगी। तो यहां पे हमने जाना मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब चलिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जानते हैं। दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और जिसके पास डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं, एक कार है वो 2 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है। अगर मैं यहां पे डायरेक्शन दिखा देता हूं, नॉर्थ, इस तरफ साउथ, इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट। अब ये जो 2 मीटर पर सेकंड है इसके अंदर ये जो पहला पार्ट है दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू, ये जो मीटर पर सेकंड है दैट इज यूनिट, और ये टुवर्ड्स ईस्ट इज डायरेक्शन। तो जाने की अगर आपने ये इंफॉर्मेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो डेफिनेटली ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है जिसको हमने बोला है वेलोसिटी। और अगर आप अकेला बोल देते 2 मीटर पर सेकंड, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन का लेना देना नहीं है, अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है इसका मतलब है स्पीड, और इस चीज को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो जाने की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके पास दो चीजें रहेंगी, एक रहेगा मैग्नीट्यूड और दूसरा रहेगा डायरेक्शन। आगे चल करके देखेंगे कि हम कैसे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो सिंबल होगा वो बी होगा। अब आपने वहां पे नोटिस किया होगा कि बी के ऊपर मैंने ऐसे एरो डाल रखा है, तो यानी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी होगी तो यहाँ पे वी और उसके सिर पे क्या होगा, एरो होगा। अब आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मैं बी के ऊपर एरो तो ऐसे भी लगा सकता हूँ, मैं तो बी के ऊपर एरो ऐसे भी लगा सकता हूँ, मैं तो बी के ऊपर एरो ऐसे भी लगा सकता हूं। तो दोस्तों ये सभी तरीके गलत हैं, रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट।
ऐसे आप नहीं दिखा, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो सही रास्ता है वो ये है। फिर आप कभी कर बुक्स के अंदर नोटिस करना कि एरो बहुत आपको कम मिलेगा, पर आपको वो क्या करेंगे, इस शब्द को ऐसे बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा डार्क किया होगा बाकी सब के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कृपया करके ये मत समझना कि शायद वहां पे गलती से इंक गिर गई होगी, वो एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने देखा था कि यहां पे अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिसको मेजर किया जा सके, उसके पास हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक यूनिट है। मैग्नीट्यूड का तो पता चल गया, अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है दैट इज टेस्ला, एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो सीजीएस यूनिट है दैट इज गॉस। अब एसआई क्या होता है? एसआई इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ताकि इंडिया के अंदर अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, यूएसए के अंदर पढ़ाई कर रहा है, ब्रिटेन के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तो सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड को एक ही यूनिट के अंदर मेजर किया जाए, तो उस यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम, जो ऐसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के नाम से प्रोसीड कर रही है, और उसके अंदर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या रखा हुआ है, टेस्ला। और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और टेस्ला और गॉस में जो रिलेशन है दैट इज 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^4 गॉस। और जब भी आप स्कूल के अंदर यूनिट लिखोगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू लिखोगे। तो दोस्तों, यहां पे हमने बेसिक जाना किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसकी डायरेक्शन वगैरह के बारे में जानेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे। थैंक यू दोस्तों।